हेलो रिवंस सबका स्वागत है अपने चैनल पे तो फाइनली बीआरसी की तरफ से अपडेट आ गया है जो मार्च का रिक्रूटमेंट है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है बीआरसी का इस बार का और जैसे आप देख सकते हो सामने की तीन लाख प्लस एप्लीकेशन आए हैं टोटल फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर पोस्ट के लिए तो ये जो रिक्रूटमेंट था बी एस सी आई टी आई डिप्लोमा और बी बी टेक के लिए था तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट कि कितने एप्लीकेशन आपके ब्रांच में आए हैं जिससे आपको आइडिया मिले कॉम्पिटिशन का फिर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपका क्या रहेगा और अभी आपको क्या करना है कब तक कितना कंप्लीट करना है वगैरह वगैरह हम सब अभी स्टार्ट करते है। तो सब स्टार्ट करते हैं हैं ठीक है तो सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जो बीबीटेक के लिए था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि एज 35 है और चिने रहते हैं इस बार जिन्होंने एज लिमिट थर्टी फाइव दिया है किसी किसी का ये लास्ट चांस है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कॉम्पिटिशन कितना है तो सही फर्स्ट साइंस और बायो केमिस्ट्री वगैरह में फोर ट्वेंटी के नाइन वैकेंसी के लिए टोटल ग्यारह फॉर्म आए ठीक है बाद में फिजिक्स के फोर्टीन वैकेंसी के लिए टोटल नाइन थाउजेंड फॉर्म है तो देख सकते हो फॉर्म बहुत ज्यादा है बिकॉज एज लिमिटी थर्टी फाइव ईयर्स था तो इसलिए फॉर्म ज्यादा है और वो एक्सपेक्टेड था उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था लास्ट टाइम में केमिकल ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एप्लीकेशन है तो केमिकल के लिए कम है सिविल के लिए ट्वेंटी वैकेंसीज के लिए टोटल सत्रह हजार फॉर्म आए हैं ठीक है कंप्यूटर साइंस सोलह वैकेंसीज के लिए टोटल नाइन थाउजेंड फॉर्म देन ड्रिलिंग के लिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इलेक्ट्रिकल के ट्वेंटी थ्री वैकेंसीज के लिए टोटल सेवेंटीन थाउजेंड फॉर्म आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के 16 वैकेंसीज के लिए टोटल तेरह हजार फॉर्म आए हैं जो बहुत बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन के आठ वैकेंसीज के लिए टोटल वन तो मतलब देखो एक सीट के लिए कितना कॉम्पिटिशन है जस्ट कैलकुलेट कर सकते हो राइट मैकेनिकल के 45 फाइव वैकेंसीज के लिए टोटल 24,000 फॉर्म आए हैं और लास्ट मेटोलॉजी के लिए तीन वैकेंसीज के लिए टोटल सिक्स हंड्रेड जीरो फॉर्म जो है वो आए हैं ठीक है तो ये है टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अभी सेकंड में ट्रेनी जो पोस्ट था जो डिप्लोमा और बी वालों के लिए था तो उसके लिए क्या हुआ है देखते हैं तो सी फर्स्ट केमिस्ट्री के लिए 169 फॉर्म एप्लीके वैकेंसी था उसके लिए 13,000 फॉर्म आए हैं फिजिक्स के लिए 117 के लिए 9,000 कंप्यूटर साइंस के 25 वैकेंसीज के लिए जिधर डिप्लोमा एंड बी दोनों एलिजिबल था टोटल फॉर्म से 2574 ठीक है बाद में केमिकल के लिए 3,000 फॉर्म है बाद में इलेक्ट्रिकल के वन वैकेंसीज के लिए टोटल ट्वेंटी फॉर्म है नाइनटी एट इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी के टोटल टोल सात हज़ार फॉर्म है कम है लेकिन फिर भी अच्छा है इक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन फिफ्टी नाइन के लिए टोटल एक हज़ार ही फॉर्म है मैकेनिकल के थ्री ट्वेंटी एट वैकन्सी के लिए टोटल ट्वेंटी थाउजेंड फॉर्म है सो एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल ऑफिस और बी वीटेक e. पोस्ट डिप्लोमा वालों ने कम इंटरेस्ट दिखा है बी से में लेकिन अगेन फॉर्म बहुत अच्छे है और कॉम्पिटिशन भी अच्छा तो e. ही है बाकी मेटेलॉजी में तीन सौ दो आर्किटेक्चर नाइनटी नाइन सिविल में सिक्सटी टू वैकेंसी के लिए थर्टीन जीरो वन सेवन फॉर्म्स आए हैं ठीक है तो ये साइब में ट्रेनिंग पोस्ट का जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी का पोस्ट है वो ये है और बाकी जो भी पब्लिक आई है तो आई में भी आप देख सकते हो आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग कितने फॉर्म्स आए हैं रखें ठीक है रखे। तो ये तो था कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो बी आर सी की तरफ से अपने को मिला है अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एग्जाम डेट आपका क्या होगा राइट तो सही अभी जो है आप मान के चल सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है और अगर उसके पहले कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल अभी आज से आपको मानना है कि आपका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर होने वाला है ठीक है तो लगभग आपके पास 60 डेज और मैं मानता हूं जस्ट कंसिडर करो अक्टूबर ही नवंबर मत पकड़ो अक्टूबर पकड़ के ही प्रिपरेशन अपना करो फर्स्ट पॉइंट ठीक है सेकेंड पॉइंट जो है कि फोर्थ वीक सेप्टेंबर अभी और आपको चांस मिला है तो ट्राई करो कि तब तक आपका जो सिलेबस है जो भी मैंने बताया था और कंप्लीट सिलेबस आप कवर करो फोर्थ वीक ऑफ सेप्टेंबर का ठीक है जिन्होंने भी एम एस पी मास्टर्स से पेक्ट ज्वाइन नहीं किया है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए है तो आप ज्वाइन करो अगर ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है थर्टी फाइव एज लिमिट का तो एम ज्वाइन करो ऑलरेडी अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी चालू है जो सुपर पावरफुल है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पब्लिक प्रिपरेशन कर रही है जिससे आपको डेडिकेटेड पाथ मिलता है ठीक है तो एमएसपी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो वरना सेकेंड जो डिप्लोमा वाले है वो बी वाले हैं आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह आने वाला है और मॉकटेस्ट से आपको पता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटैच रहता है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि बी में मेन सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा और इतने सारे अभी तक मैंने सिलेक्शन दिए हैं बीआरसी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है लेकिन फर्स्ट टारगेट अपना है कि जो सीबीटी आपका होगा ओके okay, एग्जाम होगा उसमें अपने को हाई स्कोर करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट ओके तो स्टाइपेंड एंड ट्रेनिंग पोस्ट के लिए भी मॉक टेस्ट का मैं शेड्यूल जल्दी लाऊंगा और जो बी बी टे का है और जिन्होंने स्टाइपेंड ट्रेनिंग दोनों का अप्लाई किया है तो आपके एमएसपी में ही आपको मिल जाएगा ठीक है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो है वो एम एस इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको ज्वाइन करना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ वो देख लो ठीक है तो ये तो हो गया एग्जाम डेट का जिसका आपको आइडिया आ गया अभी नेक्स्ट जो है कि प्रिपरेशन में मैंने बता दिया आपको कि सिलेबस जो है कंप्लीट होना बहुत जरूरी है और जो भी क्वेश्चंस अपने मॉक टेस्ट में रहते हैं आपको पता है अपना मॉक टेस्ट जो है एज अ क्वेश्चन बैंक रहता है क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे बीआरसी के डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें अपने क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होते हैं और कंसेप्ट रिफ्लेक्ट होते हैं ठीक है तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और मॉक टेस्ट के बाद मतलब एग्जाम के बाद हम अपना आईजीपी जो इंटरव्यू गाइडेंस है वो चालू करने वाले हैं ठीक है क्योंकि अगेन सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे ही होने वाला है राइट तो मैं अभी आपको क्या करना है जो भी गाइडलाइंस में दिया है वो आपने फॉलो करने ओके okay, जो भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो उधर से आप प्रैक्टिस करो सिलेबस कंप्लीट करो और बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता ही रहूंगा क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अपडेट मिलता रहे बीआरसी का और प्रिपेयर सीरियसली करो क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी था इससे इसके आगे बीआरसी का ये बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं आने वाला ठीक है टू ट्वेंटी का लास्ट है बाद में आएगा टू थाउजेंड सेवन ट्वेंटी तो सेवन ट्वेंटी एट में आएगा लेकिन तब तक किसने देखा है राइट तो अभी जो है उस पर फोकस करो और कुछ भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सभी चीज़ें लिंक जो है वो मिल जाएंगे ठीक है कुछ क्वेरी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऑल द बेस्ट